बुलडोजर से जमीन खोद सकते हैं, कोई स्थायी निर्माण गिरा सकते हैं, किसी निर्माण में बुलडोजर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन बाबा का बुलडोजर उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पुराने घिसे पिटे फॉर्मूले को भी समतल करने का काम आया। जैसे जात पात की राजनीति, जैसे दल बदलो और जीत जाओ की राजनीति, ऐसी फिक्स राजनीति करके अपनी नेतागिरी चमकाने वालों की सियासत पर भी बाबा का बुलडोजर खूब चला है। इनको बहुत बड़ा घमंड है कि ये बहुत बड़े तीस मार खां हैं, बार बार जनता की आग में धूल झोंक करके सरकार बनाएंगे। कैसे बनाते हैं मैं खुद इनको चुनौती देता हूं, और इनको आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में ऐसी पटकनी दूंगा कि भारतीय संविधान से खिलवाड़ करना भूल जाएंगे। मैं इनको हैसियत बता दूंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य जिनके बीजेपी को पटकनी देने के मंसूबे को योगी के बुलडोजर ने कुचल दिया। स्वामी प्रसाद मौर्य कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं, योगी और मोदी को दोनों को ऐसा नचा नचा के पटकूंगा कि इनको भी पाला पड़ेगा कि किसी स्वामी प्रसाद मौर्य से मेरा आमना सामना पड़ा था। जो स्वामी प्रसाद मौर्य योगी और मोदी को सबक सिखाने का दावा करते थे, उन्हें फाजिल नगर की जनता ने ऐसा पाठ पढ़ाया कि अब उनका सियासी भविष्य अंधकार में है। बीजेपी बहुत गलत मुगलते में है, इसका तो आंकड़ा दहाई में सिमटने जा रहा है। ये लड़ाई में कहीं है ही नहीं है, 100 का आंकड़ा नहीं छू पाएंगे। ये स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राजनीतिक भविष्यवाणी कर रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर जो 2022 के चुनाव में बीजेपी को मिटाने का दावा कर रहे थे, उन्हें योगी के बुलडोजर ने कहीं का नहीं छोड़ा। जब तक उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी की विदाई नहीं कर दूंगा तब से चैन से नहीं बैठूंगा। हम बनारस छोड़ के बलिया बस गए, बलिया में 7 सीट है, चुनौती देते ला, 1 सीट बीजेपी ने जीती, मऊ में न जीती, आजमगढ़ में न जीती, कोई बीजेपी के नेता को बुला के बहस कर लीजिए, 1 सीट जीत जाएंगे तो राजनीति छोड़ दूंगा, फिर आपके सामने नहीं आऊंगा। जयंत चौधरी जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी की चर्बी निकालने की बात करते थे, उनका दावा योगी के बुलडोजर के सामने ठहर नहीं सका। ऐसा भर भर के वोट दो, ईवीएम की मशीन को ऐसा भर के दो, नलके के बटन हैंडपंप के बटन को ऐसा दबाओ, भारतीय जनता पार्टी की जो चर्बी चढ़ रही है सारे नेताओं की चर्बी उतार दो आप। चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी और उसके साथियों के हौसले बुलंद थे। जिस तरह से बीजेपी सरकार में मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य और दूसरे पिछड़े नेताओं ने बीजेपी से नाता तोड़कर साइकिल की सवारी की, इसे योगी के लिए बड़ा झटका बताया गया। लेकिन 2022 के चुनाव में तमाम सियासी तूफान के बावजूद योगी का बुलडोजर न सिर्फ खड़ा रहा बल्कि उसने बीजेपी के लिए सत्ता का रास्ता साफ कर दिया। ये जीत हमें जवाबदेही का एक नया संकेत भी देता है, हमें जोश के साथ साथ होश को बनाए रखना है और इससे भी मजबूती के साथ हमें आम जनमानस के आकांक्षाओं के अनुरूप एक बार फिर से अपने आप को साबित करना होगा। अखिलेश के वादों पर योगी के उपयोगी होने में 5 बातों का विशेष स्थान है, जिसमें बेहतर कानून व्यवस्था, महिलाओं का समर्थन, मुफ्त राशन योजना, बेदाग छवि और दलित वोटों का साथ आना। बीजेपी के लिए अखिलेश के छोटे दलों के साथ गठबंधन के चैलेंज से मुकाबला करने के लिए दलित वोटों का दाव काम आया। यूपी के चुनाव में बीजेपी ने बीएसपी के जाटा वोट बैंक को साधने के लिए तमाम जतन किए, जिसमें चुनाव से ठीक पहले उत्तराखंड की राज्यपाल रही बेबी रानी मौर्य को इस्तीफा दिलवाकर फिर से सक्रिय राजनीति में उतारा गया। उन्हें जाटा समुदाय के चेहरे के तौर पर पेश किया गया। इसका फायदा बीजेपी को चुनाव में मिलता दिख रहा है, जिसका पहला संकेत एग्जिट पोल से भी जाहिर होते हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बसपा को 62% जाटव और 15% गैर जाटव दलित का वोट मिल रहा है। इस तरह से बसपा के 38% जाटव और 85% गैर जाटव दलित मतदाता छिटकने का अनुमान है। एग्जिट पोल की माने तो बीजेपी को 21% जाटव और 52% गैर जाटव दलितों का वोट मिलता दिखता है। इसके अलावा बसपा का अति पिछड़ा वोट बैंक भी छिटक गया है और ब्राह्मणों को लुभाने का दांव भी मायावती के काम नहीं आया। इस तरह बसपा से छिटका जाटव गैर जाटव वोटर बीजेपी के साथ खड़ा दिखा और बीएसपी के कमजोर होने से बीजेपी को सियासी संजीवनी मिल गई। दलित मतदाताओं के बीजेपी से जुड़ने की एक बड़ी वजह बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच सीधा मुकाबला था। बीएसपी के चुनावी मैदान से बाहर होने की वजह से दलितों ने अखिलेश की तुलना में योगी को पसंद किया। मायावती ने भी चुनाव के बीच जिस तरह से अखिलेश पर आक्रामक रुख अपनाए रखा और अखिलेश को दलित विरोधी करार दिया,
जानकारों की नजर में ये उसका भी असर हो सकता है। जनता जनार्दन ने जो इसमें व्यापक अपना समर्थन दिया है, चुनाव के प्रति हमने देखा है, खासतौर पर आधी आबादी माताओं ने, बहनों ने, बेटियों ने आगे आकर के भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड बहुमत दिया है अपने सहयोगियों के साथ में, आज इसका परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास बनाने जा रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर इतिहास बनाने की ओर अग्रसर है। किसान आंदोलन की वजह से जाटों की नाराजगी, महंगाई, बेरोजगारी, पिछड़ों की अनदेखी का इल्जाम और एंटी इनकम्बेंसी, बीजेपी के सामने चुनौतियों की कमी नहीं थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर चुन चुन कर जीत की राह के हर कांटे को साफ कर दिया, जिसके बाद उत्तर प्रदेश और बीजेपी में योगी का कद और बढ़ेगा, हिंदुत्व का एजेंडा अब और तेजी से दौड़ेगा। यूपी में भारी जीत के साथ ही योगी का चेहरा अब भाजपा के केंद्रीय नेताओं के समक्ष खड़ा हो जाएगा। भाजपा ने पूरा चुनाव जिस तरह से हिंदुत्व और माफिया के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर लड़ा, उसे बीजेपी अब लोकसभा चुनाव में भी उठाएगी। योगी सरकार के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती बेरोजगारी की है, जिसे अगर अभी नहीं सुलझाया गया तो आने वाले दिनों में ये सरकार के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा।